हेलो गाइस, माय नेम इज साजिश शाहिद और ये मेरी धर्म पत्नी शिल्पा खटवानी। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इनको। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और ये व्लॉग है आज कुछ खास। तो हम लोग 3-4 दिन से बाहर थे और दिल्ली में आपको पता होगा 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो जो हमारा सोसाइटी का ग्रुप है उसमें कुछ फ़ोटोज़ लोगों ने शेयर की थी। तो जो गेस्ट रूम है बालकनी से अटैच्ड है, कुछ लोगों के रूम के अंदर पानी भर गया था। तो शीशे बंद होने के बाद भी कहीं से बालकनी में पानी राइज हुआ और वो रूम के अंदर आ गया। तो हम लोग भी डरे हुए हैं कि शायद हमारे रूम के साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ हो, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग है। अगर पानी आया होगा और हम लोग 3-4 दिन से बाहर थे तो पूरी वुडन फ्लोरिंग की ऐसी तैसी हो गई होगी। और देखना पड़ेगा कि अभी हमारा रूम बचा है पानी से कि नहीं बचा है। तो उसी को देखने के लिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो पानी नहीं गया होगा, क्योंकि हमारी जो बालकनी है उसके अंदर ग्रास है और जो वाटर आउटलेट है वो मैंने प्रॉपरली चेक किया था लास्ट टाइम, तो इट वॉज प्रॉपरली वर्किंग, कोई ब्लॉकेज नहीं थी उसके अंदर। और इस बात को भी आई थिंक 3-4 महीने हो गए, उसके बाद अगर कोई ब्लॉकेज हो गई हो तो आई एम नॉट श्योर। और मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि ऐसा कुछ ना हुआ, अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा और टाइम भी ख़राब होगा फिर से फ्लोरिंग चेंज कराने में। ऑलरेडी हमारे पास टाइम होता नहीं है, इधर उधर हम लोग रहते हैं बाहर, घर में तो कम ही रहते हैं। अगर ख़राब हुई होगी फ्लोरिंग तो शिल्पा चेंज कराएगी इस बार उसको अपने पैसे से। क्यों? बिकॉज यू आर अर्निंग मोर देन मी, इट हर्ट्स बट स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग इट आज की डेट में। तो चलो, तो ये सामने आपको 3 टावर दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्स ब्रिज एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी ऑफ नोएडा। और अभी रेडी नहीं हुआ है और कुछ टाइम में मेरे ख्याल से रेडी हो जाएगा। तो इसी की बगल में मेरी सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ से ये जाते हैं कालिंदी गुंज की तरफ, ये फ्लाई ओवर जो नोएडा से जाता है इस पर अब हम चढ़ेंगे। ये है सामने हमारी बिल्डिंग। सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, अब आता है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। लेट्स सी कि क्या हालत हुई है। वेलकम। सबसे पहले वाईफाई ऑन करेंगे। सो फाइनली ये वाला कमरा है, वो सामने वाला जिसकी हम बात कर रहे थे। खोलो, सफाई तो नहीं करती है, मुझे बताना है सफाई कैसे करते हैं। नहीं आया। ये फाइनली ये देख सकते हो आप, कोई पानी नहीं आया, फ्लोरिंग सब कुछ परफेक्ट है। बालकनी की तरफ चलते हैं। धूल मिट्टी आई है नॉर्मल, वो साफ हो जाएगी। तो ये बालकनी थी इसकी, यहाँ पे है पानी जाने का सिस्टम। तो मतलब ग्रास ने बचाया, जिसने भी बचाया बट बच गए, घर पूरा साफ सुथरा है। एक बार दूसरी बालकनी और चेक करते हैं। ये सेकंड रूम, इधर भी कोई पानी नहीं आया है। तो मेरे को लगता है आई थिंक किसी इक्के दुक्के फ्लैट में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से पानी आया। मे भी सील प्रॉपर नहीं होगी विंडो की, शायद इसलिए पानी आ गया होगा उनकी बालकनी में। इन्होंने खामा खाम को डरा दिया था। इधर भी कोई पानी नहीं है। अभी एक बार तीसरा रूम चेक करते हैं, जो शादाब का रूम है, सबसे छोटा रूम। इधर भी कोई पानी नहीं है, इधर पानी आ भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार बालकनी चेक करते हैं लिविंग रूम की फाइनली। कुछ तो गिरा पड़ा है बालकनी में। कोई पानी नहीं है, कुछ
एक तो पोछे आए इधर उधर से लोगों के उड़ के, वो हम चेक करके वापस कर देंगे। बाकी ये खुला हुआ है इधर, ये आइए देखिए, ये साफ खुली हुई है। अब पता नहीं ये कैसे खुली है, झाड़ू और ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, इसको अंदर रखेंगे क्योंकि ये मेरा पर्सनल सामान है घर का। इसको ज़्यादातर टाइम यूज़ करता हूँ, ये मेरी बीवी ने बहुत प्यार से दिलाया मुझे ताकि मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँ और घर एकदम चकाचक करके रखूँ। लो कैच करो, एक चीज़ और आई है तुम्हारे लिए। ये क्या है, ये भी कहाँ से आया उड़ के? मुझे लग रहा है चांद से आया। करंट लगा वेरी गुड, कर्म यही सामने आ जाता है, हैंड टू हैंड। अरे क्या ये कूड़ा रखने की जगह थोड़ी ना, डस्टबिन में डालो। तुम्हारे मुंह में ना डालो, सब कुछ ठीक है। एक दो पत्थर पत्थर आया उड़ के, जैसे ये है इसको उठा के मैं डालूंगा डस्टबिन में। तो पूरा घर साफ सुथरा है। तो फाइनली मैं बैठ के थोड़ी देर चिल करता हूँ, मैं भी कॉफ़ी या चाय पीएंगे आप लोगों के साथ कम। तो ये एक पोछा कहीं से उड़ के आया है, ये गिफ्ट है मेरे लिए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। तो बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं तो मैं थोड़ी सफाई शुरू करता हूँ। यहाँ पर गुटखा भी है, गुटखा भी है भाई, ये गुटखा भी आया है। कौन सा है ये, कैमरा मैन बताना। प्लीज टेक योर कैच शिकंजी मसाला। बाकी नारियल पानी पियेंगे हम। और ये मेरी किचन है, मैं किचन दिखाना चाहूंगा आज लोगों को, अपनी किचन दिखाता हूँ। मैं इधर आऊँ, ये है वॉशिंग मशीन, ठीक है। और इधर आओ, इधर ये काम की चीज़, एक साल हो गया जिसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। इधर आ जाओ, इधर इधर आइए कैमरा मैन, इधर आइए दिखाइए। खोलो मत, ये है, खोलो मत, ये डिश वॉशर है, इसका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि मैं हूँ तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये देखो, ये पूरे का पूरा, ये मेरी होनहार बीवी इसका इस्तेमाल कर रही है स्टोरेज की तरह। तो इसमें आप देखोगे ये चम्मचें पड़ी हैं, उधर गिलास पड़े हुए हैं, पानी की बोतल भी एक पड़ी हुई है। तो ये अभी स्टोरेज की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिखाओ ना इनकी शक्ल। अरे यार, जब यूज़ नहीं होता तो मैंने इसलिए उसको अलमीरा बनाया। सो गाइज, दिस वॉज आर फर्स्ट व्लॉग एंड वी डोंट हैव अ मच आइडिया अबाउट इट कि कैसे व्लॉगिंग होती है नाउ, सो वी ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इन फ्यूचर वील ट्राई टू मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। मे बी वील स्टार्ट शूटिंग व्लॉग्स डेली और मे बी वीकली बेसिस, जैसे जितना भी बीवी की तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा उस हिसाब से आई फॉलो। सो आई होप यू लव्ड इट, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द अदर साइड।